जसपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक के बगिया में स्थित सीएम निवास में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ चार दिवसीय रामनवमी महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। बता दें कि चैत्र नवरात्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी। एक और जहां सीएम निवास झांझ मंदिर की थापों के साथ जय माता दी और भक्ति गीतों से गूंज रहा था, तो वही दूसरी ओर लगभग 3 बजे सीएम निवास से कलश यात्रा शुरू हुई, जो कि श्रद्धालु महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नदी तट तक पहुंची और वापस आयोजन स्थल आई। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने भी इस कलश यात्रा में शामिल हुई और सिर पर कलश रखकर पेंड्रा झरिया के तट से पवित्र जल आयोजन स्थल पहुंची। हमारे यहाँ ये चैत्र रामनवमी 1993 से जो शुरू है वो अनवरत चल रहा है। देवी की कृपा, गुरु की कृपा, पुरखों का आशीर्वाद, उनकी पुण्याई है कि लंबे अरसे से पूजा अनवरत चालू है और चल रहे। क्या क्या कैसे कैसे पूजा होता है, क्या है? जैसे सामान्य तौर पर आपने देखा होगा जो हिंदुओं की पद्धति है, रीति नियम है, कलश आपने देखा कि वैदिक रीति से यहाँ पे पूजन हुई और उसके बाद माता रानी का जो विग्रह था उसको बाजे गाजे के साथ समस्त भक्त वृंद लेने के लिए गए, ढोल नगाड़े के साथ उनको लेकर के उनके आसन पर बिठाए और उसके बाद में उनको बिठा करके हमारे भक्त बंधुओं के साथ कलश यात्रा शुरू हुई और यहाँ पे जिधर गए थे उसको पेंडा नाला के नाम से जाना जाता है और पीछे जो नदी बह रही है मैनी नदी है, तो व्यवस्था के अनुसार नदी या नाला से जल लेकर के आते हैं और जल की भी जो गंगा मैया के स्मरण से उनका पूजा वंदन कराते हैं ब्राह्मण जी और उस जल को लेकर के आते हैं और विधिवत उनकी भी स्थापना होती है